विकास का संदर्भ विकास निर्वात में नहीं घटित होता या सदैव एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है, जैसा कि आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में परिवर्तन, जैसे विद्यालय में प्रवेश करना, एक किशोर बनना, नौकरी खोजना, विवाह करना, बच्चों का होना, सेवानिवृत्त होना इत्यादि, सभी जैविक परिवर्तनों तथा व्यक्ति के परिवेश में मुख्य परिवर्तनों को संयुक्त कार्य है। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन क्रम में किसी भी समय परिवेश परिवर्तित हो सकता है। यूरी ब्रॉन ब्रेनर ने का विकास पारिस्थितिक परक दृष्टिकोण व्यक्ति के विकास में परिवेशी कारकों की भूमिका पर बल देता है। व्यक्ति लघु मंडल में क्या आएगा? परिवार, धार्मिक परिवेश, पास पड़ोस, साथी, सहयोगी, विद्यालय। मध्य मंडल फिर बाह्य मंडल। बाह्य मंडल क्या है? मित्र, जनसंचार, कार्यस्थल, पड़ोसी। फिर उसके बाद है बृहत मंडल। बृहत मंडल में क्या आएगा? विश्वास, परंपरा, विचारधाराएं, अभिवृत्ति। उसके बाद घटना मंडल, उसमें काल है, ठीक है। लघु मंडल वह निकटतम परिवेश है जिसमें व्यक्ति रहता है। यही वह परिवेश है जिसमें बच्चा सामाजिक कारकों या एजेंटों जैसे परिवार, साथी, सहयोगी, अध्यापक एवं पड़ोस से प्रत्यक्ष रूप से अंतर्क्रिया करता है। इन परिवेशों के मध्य संबंध मध्य मंडल मेजो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चे के माता पिता अध्यापकों से कैसे संबंध स्थापित करते हैं या माता पिता किशोर के मित्र को किस रूप में देखते हैं, ये ऐसे अनुभव हैं जो एक व्यक्ति के दूसरे से संबंध को प्रभावित करने वाले हैं। बाह्य मंडल एक्सोसिस्टम के अंतर्गत सामाजिक परिवेश की वे घटनाएं आती हैं जहां बच्चा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागिता नहीं करता, परंतु वे तात्कालिक परिस्थिति में बच्चे के अनुभव को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, माता या पिता का स्थानांतरण माता पिता में तनाव उत्पन्न कर सकता है जो बच्चों के साथ उसकी अंतर्क्रिया अथवा बच्चे को उपलब्ध सामान्य सुख सुविधाएं जैसे विद्यालय पठन पाठन, पुस्तकालय सुविधाएं, चिकित्सकीय देखरेख, मनोरंजन के साधन आदि की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। बृहत मंडल मैक्रोसिस्टम के अंतर्गत वह संस्कृति आती है जिसमें व्यक्ति रहता है। व्यक्ति के विकास में संस्कृति के महत्व को आप अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं। घटना मंडल क्रोनोसिस्टम में व्यक्ति के जीवन चक्र की घटनाएं तथा उस काल की सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियां जैसे माता पिता का तलाक या आर्थिक आघात एवं बच्चों पर उनका प्रभाव आदि निहित है। संक्षेप में ब्रॉन ब्रेनर का दृष्टिकोण यह है कि बच्चे का विकास उस जटिल संसार से सार्थक रूप से प्रभावित होता है उसे आच्छादित किए हुए, चाहे वह उसके साथियों के साथ बातचीत का गौर प्रसंग हो अथवा जीवन की वे सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियां जिसमें उनमें जन्म लिया हो। शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि साधन रहित परिवेश में बच्चों को पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, खिलौने आदि से रहित उत्तेजनाहीन परिवेश मिलता है। उसमें ऐसे अनुभव का अभाव होता है जैसे पुस्तकालय, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि में जाना। इसमें ऐसे माता पिता होते हैं जो भूमिका प्रतिरूप स्थापित करने में प्रभावहीन होते हैं। माता पिता से अंतिक्रिया उपयुक्त तरीके से नहीं होती तथा बच्चे अत्यधिक भीड़ एवं शोरगुल वाले परिवेश में रहते हैं। इन परिस्थितियों के फलस्वरूप बच्चे असुविधाजनक स्थिति में होते हैं और उन्हें सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं। दुर्गानंद सिन्हा 1977 ने भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए एक पारिस्थितिक मॉडल प्रस्तुत किया। बच्चे की पारिस्थितिक को दो संकेंद्रीय परतों में देखा जाता है, ऊपरी एवं अधिक दृश्य परतों के अंतर्गत घर, विद्यालय, समूह आते हैं। दृश्य परत दूसरी परत ऊपरी परत में बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कारक के अंतर्गत अग्रांकित तत्व हैं। घर, उसमें क्षमता से अधिक लोगों का रहना, प्रत्येक सदस्य के लिए उपलब्ध स्थान, प्रयोग में लाए जाने वाले खिलौने, तकनीकी उपकरण आदि के आधार पर घर की परिस्थिति, विद्यालय पठन पाठन का स्वरूप तथा गुणवत्ता में सुविधाएं जो बच्चों को प्रस्तुत की जाती है, बाल्यावस्था तथा उसके बाद की अवस्था, समूह के साथ की जाने वाली अंतक्रिया एवं गतिविधियों का स्वरूप। ये कारक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते बल्कि एक दूसरे से निरंतर अंतक्रिया करते रहते हैं। चूंकि ये कारक एक विस्तृत एवं अधिक व्यापक परिवेश में सन्निहित रहते हैं, इसलिए बच्चों के पारिस्थितिकी के आसपास की परतें ऊपरी परत कारकों को निरंतर प्रभावित करती रहती है, परंतु इसके प्रभाव सदैव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत नहीं होते। पारिस्थितिकी के आसपास की परत के अंतर्गत अग्रांकित
तत्व आते हैं। सामान्य भौगोलिक परिवेश, इसके अंतर्गत मोहल्ले की सामान्य भीड़भाड़ एवं जनसंख्या घनत्व सहित घर से बाहर खेलने तथा अन्य गतिविधियों के लिए सामान एवं सुविधाएं आदि होते हैं। जाति, वर्ग तथा अन्य कारकों द्वारा मुहैया कराया गया संस्थागत परिवेश, बच्चे के लिए उपलब्ध सामान्य सुख सुविधाएं जैसे पीने का पानी, बिजली, मनोरंजन के साधन इत्यादि, दृश्य एवं आसपास की परत से संबंध कारक एक दूसरे से अंतर्क्रिया करते हैं और विकास में इनकी भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न परिणतियाँ हो सकती हैं। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन क्रम में कभी भी पारिस्थितिक पर्यावरण परिवर्तित हो सकता है या बदल सकता है, इसलिए एक व्यक्ति की कार्य प्रणाली में अंतर को समझने के लिए व्यक्ति को उसके अनुभवों के संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है। विकासात्मक अवस्थाओं की समग्र दृष्टि, विकास का वर्णन सामान्यतः अवधि या अवस्थाओं के रूप में किया जाता है। आपने यह देखा होगा कि आपके छोटे भाई बहन या माता पिता और स्वयं आप भी अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। यदि आप अपने पास पड़ोस में रहने वाले लोगों को देखें तो आप पाएंगे कि वे भी एक जैसा व्यवहार नहीं करते। यह अंतर आंशिक रूप से इस कारण है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होता है। मानव जीवन विभिन्न अवस्थाओं स्टेजेस से होते हुए आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए आप वर्तमान में किशोरावस्था में हैं एवं कुछ वर्ष बाद आप प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करेंगे। विकासात्मक अवस्थाएं अस्थायी मानी जाती हैं एवं प्रायः एक प्रभावी लक्षण या प्रमुख विशेषता के रूप में पहचानी जाती हैं जो प्रत्येक अवधि को उसकी अद्वितीय विशिष्टता प्रदान करती है। एक विशिष्ट अवस्था में व्यक्ति एक निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। एक स्थिति या योग्यता जिसे विकास के अनुक्रम में अगली अवस्था तक बढ़ने से पहले ठीक उसी क्रम में प्राप्त कर लेना चाहिए जिस प्रकार से अन्य व्यक्तियों ने प्राप्त किया है। निसंदेह विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था के मध्य विकास के समय तथा दर के सापेक्ष व्यक्ति निश्चित रूप से भिन्न होते हैं। यह देखा जाता है कि कुछ व्यवहार प्रारूप तथा कुछ कौशल एवं विशिष्ट अवस्था में अधिक आसानी से एवं सफलतापूर्वक सीखे जाते हैं। व्यक्ति की उपलब्धियां विकास की उस अवस्था के लिए एक सामाजिक अपेक्षा बन जाती है। इन्हें विकासात्मक कार्य डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। अब आप किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रसव पूर्व अवस्था, गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहते हैं। औसतन यह लगभग 40 सप्ताह का होता है। अब तक आप जान चुके होंगे कि प्रसव पूर्व काल में जन्म के बाद हमारे विकास को हमारी अनुवांशिक रूपरेखा ब्लूप्रिंट निर्देशित करती है। प्रसव पूर्व अवस्था की विभिन्न अवधियों में अनुवांशिक तथा परवेशीय दोनों ही तरह के कारक हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था में विकास माता की विशेषताओं से भी प्रभावित होता है जैसे माँ की आयु, उसके द्वारा लिए जाने वाले पोषक आहार एवं सामग्री की स्थिति। माँ का रोग या संक्रामक ग्रस्त होना प्रसव पूर्व अवस्था के विकास पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए माना जाता है कि रुबेला नामक रोग जिसे जर्मन मिजल्स कहते हैं, जननांग में होने वाले हार्पिस तथा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV नवजात शिशुओं में अनुवांशिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था के में विकास के लिए भय का दूसरा स्रोत विरूपजनन तत्व है। वे परिवेशी कारक जो सामान्य विकास में ऐसे विचलन उत्पन्न करते हैं जिसे गंभीर असामान्यताएं जन्म ले सकती हैं या मृत्यु हो सकती है। सामान्य विरूपजनन तत्व के अंतर्गत मादक द्रव्य संक्रमण, विकिरण तथा प्रदूषण आते हैं। स्त्री द्वारा प्रसव पूर्व काल में मादक द्रव्य गांजा, हीरोइन, कोकीन आदि, शराब, तंबाकू आदि के सेवन का शिशु पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है और जन्मजात असामान्यताओं की आवृत्ति बढ़ सकती है। विकिरण जैसे एक्सरे तथा औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के कुछ रसायन जीन में स्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। परिवेशी प्रदूषक तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, पारा, सीसा जैसे विषाक्त पदार्थ भी अजन्मे बच्चे के लिए खतरे के स्रोत हैं। शैशवावस्था, जन्म के पहले एवं उसके बाद मस्तिष्क आश्चर्यजनक गति से विकसित होता है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों तथा मानवीय क्रियाओं जैसे भाषा, प्रत्यक्षण एवं बुद्धि के संचालन में प्रमस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में आप अध्याय 3 में पहले ही पढ़ चुके हैं। जन्म के ठीक पहले नवजात शिशुओं में सभी तो नहीं परंतु अधिकांश मस्तिष्की कोशिकाएं रहती हैं। इन कोशिकाओं के मध्य तंत्रिका संधि तीव्र गति से विकसित होते हैं। नवजात शिशु उतना ही असहाय नहीं होता है जितना कि आप सोचते हैं। जीवन की कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक क्रियाएं नवजात शिशुओं में उपस्थित होती हैं। वह सांस लेता है, चूसता है, निगलता है और शरीर के अपशिष्ट पदार्थों, मल मूत्र आदि का त्याग या विसर्जन भी करता है। अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में नवजात शिशु यह बताने में सक्षम है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। अन्य स्त्रियों की आवाज़ तथा अपनी माँ की आवाज़ से अंतर कर सकते हैं एवं सामान्य हाव भाव का अनुकरण कर सकते हैं जैसे जीभ का बाहर निकालना, मुंह खोलना आदि। पेशीय विकास, नवजात शिशुओं की पेशीय क्रियाएं
प्रतिवर्त रिफ्लेक्सेस जो उद्दीपकों के प्रति स्वचालित एवं स्वाभाविक रूप से विद्यमान अनुक्रिया होती हैं से संचालित होती है। ये अनुवांशिक रूप से प्राप्त अतिजीवितता तंत्र हैं तथा बाद के पेशी विकास के लिए आधारभूत इकाई हैं। नवजात शिशुओं को सीखने के अवसर मिलने के पहले प्रतिवर्ती अनुकूली तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। नवजात शिशुओं में पाए जाने वाले कुछ प्रतिवर्त जैसे खांसना, पलक झपकाना तथा जीभ जमाई लेना, जीवन पर्यंत बने रहना, कुछ दूसरे प्रतिवर्त मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के परिपक्व होने तथा व्यवहार पर ऐच्छिक नियंत्रण की विकसित होने हो जाने पर विलुप्त हो जाते हैं। जब मस्तिष्क विकसित होता है शारीरिक विकास भी अग्रसर होता है। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है मांसपेशी एवं तंत्रिका तंत्र परिपक्व होते हैं जो सूक्ष्म कौशलों का विकास करते हैं। आधारभूत शारीरिक पेशी कौशलों के अंतर्गत वस्तुओं को पकड़ना एवं उनके पास पहुंचना, बैठना, घुटने के बल चमकना, खड़े होकर चलना और दौड़ना आते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर शारीरिक पेशी विकास का अनुक्रम सार्वभौमिक होता है। संवेदी योग्यताएं, अब तक आप जान चुके होंगे कि नवजात शिशु उतने अक्षम नहीं है जितने वे दिखते हैं। अब जन्म के मात्र कुछ घंटे बाद वे अपनी माँ की आवाज़ को पहचान सकते हैं एवं उनमें अन्य संवेदी क्षमताएं भी होती हैं। नवजात शिशु कितनी अच्छी तरह से देख सकते हैं। नवजात शिशु कुछ उद्दीपकों जैसे चेहरों को अन्य उद्दीपकों की तुलना में देखना पसंद करते हैं। यद्यपि यह पसंद जीवन के प्रथम कुछ महीनों में परिवर्तित हो जाती है। प्रौढ़ों की तुलना में नवजात शिशु की दृष्टि कम आंकी गई है। छठे महीने तक इसमें सुधार होता है और लगभग एक वर्ष की उम्र तक दृष्टि लगभग प्रौढ़ों के समान 20-20 हो जाती है, 20/20 हो जाती है। क्या नवजात शिशु रंगों को देख सकते हैं? वर्तमान में यह सहमति है कि वे लाल और सफ़ेद रंगों के मध्य विभेदन करने में सक्षम हो सकते हैं, परंतु सामान्यतः वे रंग विभेदन में अपूर्ण होते हैं एवं पूर्ण रंग दृष्टि माँ तीन से छह माह की आयु के बीच पूर्ण रंग दृष्टि 3 माह की आयु तक विकसित करते हैं। नवजात शिशुओं में श्रवण का स्वरूप कैसा होता है? नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकते हैं। नवजात शिशु जैसे जैसे विकसित होते हैं उनकी ध्वनि की दिशा निर्धारण की दक्षता में सुधार होता है। नवजात शिशु स्पर्श के प्रति अनुक्रिया करते हैं, वे पीड़ा की अनुभूति भी कर सकते हैं। घ्राण एवं स्वाद दोनों क्षमताएँ भी नवजात शिशु में होती हैं। संज्ञानात्मक विकास, क्या 3 वर्ष का बालक चीज़ों को उसी प्रकार से समझेगा जैसा कि 8 वर्ष का बालक? जिन प्याजे ने इस बात पर बल दिया कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। प्रवेश में सूचनाएं उसके मन में मात्र प्रवेश नहीं करती बल्कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं अतिरिक्त सूचनाएं अर्जित करते हैं। नए विचारों को अंतर्निहित करने में वे चिंतन का अनुकूलन करते हैं क्योंकि इससे संसार के बारे में उनकी समझ में सुधार होता है। प्याजे के मानना था कि शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों का मन विचारों की अवस्था में एक श्रृंखला से गुजरता है। प्रत्येक अवस्था चिंतन की एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित होती है एवं आयु से संबंध रहती है। यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि सोचने का अलग तरीका है न कि सूचना की मात्रा जो एक अवस्था को दूसरी अवस्था में अधिक उच्च बनाती है। इससे यह भी प्रकट होता है कि आप अपनी उम्र में से 1-8 वर्ष के बच्चे की तुलना में क्यों भिन्न प्रकार से सोचते हैं। शैशवावस्था था जीवन के प्रथम 2 वर्ष के दौरान बच्चा ज्ञानेन्द्रियों एवं वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से देखने, सुनने, स्पर्श करने, उन्हें वस्तुओं को मुंह में डालने एवं पकड़ने के इस संसार का अनुभव करता है। नवजात शिशु वर्तमान में रहता है जो उसकी दृष्टि के क्षेत्र से बाहर होता है, वह उसके मन से भी बाहर होता है। उदाहरण के लिए यदि आप बच्चे के सामने उस खिलौने को छुपा देते जिसे वह खेल रहा है तो छोटा शिशु इस प्रकार से प्रतिक्रिया का जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, अर्थात वह खिलौने नहीं ढूंढेगा। बच्चा मान लेता है कि खिलौना नहीं है। प्याजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे तात्कालिक संवेदी अनुभव के परे नहीं जाते, अर्थात उनमें वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस या चेतना या जानकारी की जब वस्तु का प्रत्यक्षण नहीं होता या तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है का अभाव होता है। 8 माह की आयु तक धीरे धीरे बच्चा अपनी उपस्थिति में आंशिक रूप से छिपाई गई वस्तुओं का पीछा करना प्रारंभ कर देता है। शिशुओं में वाचिक संप्रेषण का आधार उपस्थित रहता है। शिशुओं में 3 से 6 माह की आयु के बीच बलबलाने स्वरीकरण का प्रारंभ होता है। प्रारंभिक भाषा विकास के बारे में अध्याय 8 में पढ़ेंगे।